बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई है और कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के काफिले पर जिस तरह से हमला हुआ है वो बहुत निंदनीय है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मंगवाया है, लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार ही माहौल ऐसा बना रही है और वेस्ट बंगाल सरकार ही ऐसे सारी हिंसा उनके नेता करा रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय स्थिति है। कल बाल बाल बचे, नड्डा जी ने कहा, ऐसा लोकतंत्र नहीं है ये, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। और मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो सारी राहुल गांधी और बाकी ऑपोजिशन पार्टी है वो अब क्यों चुप है, वो क्यों नहीं बोल रहे? कम्युनिस्ट है, बाकी सब है, वो अब चुप क्यों बैठे हैं? इतनी लोकतंत्र के हत्या अगर कहां हो रही है तो बंगाल में हो रही है, और उस हत्या जो हो रही है उस प्रकार की हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि वहां कानून व्यवस्था का राज चलने की हामी मुख्यमंत्री दे और वो इंश्योर करना उनका काम है। सर, गवर्नर हैज आल्सो स्पोकन अबाउट इट सर, एंड गवर्नर हैज आल्सो गिवन एडवर्स रिमार्क्स। सी व्हाट हैज हैपेंड इन वेस्ट बंगाल यस्टरडे इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। दिस डजंट हैपन इन डेमोक्रेसी। जेपी नड्डा इज द पार्टी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी and on his convoy there was a deliberate attack, a planned attack. This is not done, and Mamata Banerjee as chief minister will have to take responsibility, and she will have to ensure that elections ahead will be peaceful. Otherwise, this cannot go. And now I am asking other parties also, who speak about democracy day in and day out, why they are keeping mum on this dastardly act and murder of more than 130 BJP workers in last few months. Download Tarang Online Radio app from Google Play Store.
You are listening to Tarang Devotional Online Radio.